हेलो दोस्तों, कभी कभी कुछ बनाने का मन नहीं करता है और बारिश का मौसम है इसलिए बाहर से कुछ ला कर के खाना वो भी हेल्दी नहीं होता है। तो हेल्दी, टेस्टी और बहुत जल्दी से बन जाए ऐसा हम क्या बनाएं? तो चलिए फटाफट से हेल्दी और टेस्टी रेसिपी बना करके तैयार कर लेते हैं। एक कुकर में मैंने यहाँ एक चम्मच सरसों का तेल डाला है और एक चम्मच घी डाला है। आप तेल अपने इच्छानुसार कोई भी डाल सकते हैं या सिर्फ तेल या सिर्फ घी में भी बना सकते हैं। 1/2 टीस्पून जीरा, 1/4 टीस्पून यहाँ पर मैंने हींग डाला है, थोड़ा सा करी लीव, अगर करी पत्ता है तो ज़रूर डालिएगा। एक मीडियम आकार का प्याज जिसे बारीक बारीक चॉप करके इस तेल में हम डाल देंगे और प्याज को इतना भुनेंगे कि ये गोल्डन रंग का हो जाए। बहुत ज़्यादा इसे हमें नहीं भुनना है, हल्का सा इसका रंग चेंज हो जाए बस उतना हमें इसे भून लेना है। अब यहाँ 5-6 लहसुन की कली और 2-3 हरी मिर्च को मैंने इस तरह से दरदरा कूट लिया है। आप काट के भी डाल सकते हैं या पेस्ट भी बना करके डाल सकते हैं। अब इन सभी को अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे, प्याज का रंग थोड़ा सा बदल जाए। इसके बाद यहाँ 2 छोटे-छोटे टमाटर थे जिसको मैंने काट करके डाल दिया है। टमाटर को एक बार मिक्स कर लेंगे। इसके बाद स्वाद अनुसार नमक, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून मिर्ची का पाउडर और 1 टीस्पून मैंने यहाँ पर गरम मसाला बनाया है। जो गरम मसाला हमने घर में बनाया था ना, वही वाला टेस्टी सा गरम मसाला डाल दिया है। अब 2 से 3 मिनट इसे आप ढक्कन लगाकर अच्छे से प्याज और टमाटर को सॉफ्ट होने दीजिए। अब 1 कप स्प्राउट चना है और 1 मीडियम आकार का आलू था जिसको छील करके छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। 1/2 कप यहाँ पे सोया चंक्स थे जिसको 1/2 घंटे पहले मैंने भिगो करके रख दिया था। गर्म पानी में सोया चंक्स भिगो करके रख दीजिए, बहुत जल्दी से ये फूल जाते हैं। अब थोड़ी सी हरी धनिया डालेंगे और यहाँ 1 कप चावल है जिसको मैंने धो करके इसके अंदर मिक्स कर दिया है। यहाँ आप अपनी मन चाहे ढेर सारी कोई भी सब्जी डाल सकते हो, आपके पास समय है तो। यहाँ मैंने बहुत जल्दी वाली रेसिपी बनाया है इसलिए कोई सब्जी वगैरह ऐड नहीं किया है। चना और सोया चंक से ही हमें सारे प्रोटीन इसमें मिल जाते हैं। 1 कप चावल मैंने लिया था तो यहाँ 2 कप गर्म पानी डाल दिया है, आप ठंडा पानी भी डाल सकते हैं। आप इसे और भी हेल्दी और टेस्टी बनाना चाहते हैं तो थोड़ा सा काजू फ्राई करके लास्ट में डाल दीजिए या अभी भी डाल देंगे तब भी चलेगा। अब 2 सीटी हम लगा देंगे, कुकर को अच्छी तरह से ठंडा होने देंगे। तो देखिए हमारा हेल्दी और टेस्टी सा मसाला भात कह लीजिए या खिचड़ी कह लीजिए बन करके तैयार है। बहुत ही ज़्यादा ये टेस्टी है। तो चलिए इसकी हम प्लेटिंग कर लेते हैं। तो इसे आप चाहे तो दही के साथ, चटनी के साथ, अचार के साथ या तो फिर ऐसे ही ऊपर से घी डाल करके खाइए, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो फ्रेंड्स, मेरी ये जल्दी वाली रेसिपी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर भी कीजिएगा। लाइक और कमेंट करना तो बनता ही है। फिर मिलते हैं एक नई इजी टू मेक रेसिपी के साथ। थैंक यू।